जनपद ऊधम सिंह नगर के जशपुर में तहसील में शिविर आयोजित किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम सीमा विश्वकर्मा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार पूनम पंत और जल संस्थान से कमल किशोर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिविर में केवल 4 शिकायतें पहुंची। तहसील दिवस पर आयोजित शिविर में गरीब असहाय मजदूर किस्म की महिलाओं ने विगत 6 माह से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से राशन न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया दुकानदार में ग्राम सचिव द्वारा सरपंच गांव के करीब 350 राशन कार्ड जमा करा दिए गए हैं। मामले को लेकर आपूर्ति निरीक्षक से भी बात की गई है, जिस पर राशन कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया गया है। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तहसील दिवस में आज मात्र 4 शिकायत आई है, जिसमें की मुख्य जो शिकायत थी वो राशन कार्ड को लेके थी। और उसमें भी ये देखा गया था कि जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसके लिए 3 लोगों की कमेटी का मैंने गठन किया है, जिसमें की एडीओ पंचायत, क्योंकि पंचायत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जारी किया जाता है, एडीओ पंचायत और हमारे नायब तहसीलदार और साथ के साथ वरिष्ठ विभाग अधिकारी को इसमें टीम में रखा गया है, जो कि इस बात की जांच करेंगे कि अगर इन लोगों का राशन कार्ड काटा गया है तो किस आधार पर राशन कार्ड काटा गया। बेगम नाम है और हम यहाँ पर आए हैं एजेंट साहब, तो हमने राशन हमारे डीलर ने जमा करवा लिए थे राशन कार्ड, 1 महीना जमा करवा के 1 महीना राशन दिया, फिर मना कर दिया कि तुम्हारा ऊपर से नाम कट गया। हमने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के कहा, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से टूटो, तुम्हारा राशन कार्ड कट गया, राशन तुम्हें नहीं मिलेगा। राशन जमा करवा लिया हमारा, हमें सामान नहीं दिया जा रही, अब 5 महीने हो गए सर। हमें पहली बार हम 250-300 लगाए, 250-300 हैं अभी, हम आधी भी नहीं आए, थोड़े से आए, बस थोड़े से लोग आए।